हाय गाइस, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यूएई में हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई बड़ी नई वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस खुलती रहती है और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शंस अपने वीडियोस में कवर कर पाएँ और आप लोगों को दिखा पाएँ और उन नई अट्रैक्शंस के बारे में बता पाएँ। तो आज की वीडियो है ऐसी एक नई अट्रैक्शन के बारे में जहाँ पर हम आपको लेके जा रहे हैं और हम भी वहाँ पहली बार ही जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे और आपके साथ साथ हम भी वो जगह देखेंगे जो कि आजकल बहुत ही सुर्खियां बटोर रही है, बहुत तारीफें हो रही हैं उस जगह की। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो जगह और लेके चलते हैं आपको अपने साथ। शुरू करते हैं आज के वीडियो, लेट्स गो। तो गाइज़, हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ जाने के लिए, क्योंकि हमने इसकी न्यूज़ आर्टिकल्स में इंस्टाग्राम पे बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स देखी थी एंड वी कांट वेट एनी मोर टू विजिट दिस ब्यूटीफुल मॉस्क। गाइस, तो हम पहुंच गए हैं उस लोकेशन पे जहां पे ये अट्रैक्शन लोकेटेड है। तो ये दुबई में नहीं है, शारजा में। तो आइए आपको दिखाते हैं ये क्या है अट्रैक्शन। तो बाहर भी इन्होंने एक वजू करने की जगह बनाई हुई है। वजू प्रेयर से पहले अपने आप को क्लीन अप करने के प्रोसेस को कहते हैं। एंड कैन यू इमेजिन गाइस कि जुलाई चल रहा है जो कि यूएई का सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है, और फिर भी मौसम इतना अच्छा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। इट वॉज सो अमेजिंग आउट देयर। इट वॉज विंडी, इट वॉज क्लाउडी, इट वॉज सो प्लेजेंट कि हमें बाहर ओपन में घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम आ चुके हैं शारजा मॉस्क में, जो कि है शारजा की सबसे बड़ी मॉस्क, और ये 2014 में बनना स्टार्ट हुई थी और 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था। और ये टोटल 20 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनी हुई है और ये बहुत बड़ी मॉस्क है, और इसको बनाने में 300 मिलियन दरम्स का खर्चा हुआ था। और आपने देखा हवा की आवाज़, कितनी ज़्यादा हवा चल रही थी उस दिन के वीडियो शूट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो गाइस, इस मॉस्क का डिज़ाइन ऑटोमन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, और अगर आप टर्की में गए होंगे तो आपको ऐसी ही मॉस्क देखने को मिली होंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं और हमें बहुत पसंद है। तो चलिए आपको ले जाते हैं इसके अंदर, दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत ये मॉस्क है अंदर से। और गाइज, हम लोग वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते इसकी ब्यूटी को, द वे इट हैज़ बीन डिज़ाइंड। इसकी जो सीलिंग है, लुक एट द हाइट, आई मीन इट वॉज सो इम्प्रेसिव। इसकी तारीफ में जितना भी बोला जाए, जो भी कहा जाए, वो कम ही है। और थैंकफुली जिस टाइम पर हम पहुंचे उस टाइम मगरिब की अजान हो रही थी, तो हमने सोचा अंदर चल के क्यों ना मगरिब की नमाज पढ़ ली जाए। और क्योंकि मगरिब की नमाज़ का टाइम बहुत ही कम होता है, मगरिब होता है सनसेट का टाइम, तो अंधेरा होने से पहले पहले वो नमाज़ पढ़नी होती है, तो हमने सोचा सबसे पहले अंदर चल के नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद में वीडियो शूट करते हैं। सो यहाँ पर मॉस्क में दो प्रेयर रूम्स होते हैं, एक मेल्स के लिए और एक फीमेल्स के लिए। सो ये मेन एंट्रेंस है फॉर मेल प्रेयर हॉल। अगर आप इससे पहले टर्की गए हैं और वहाँ की मॉस्क आपने अंदर से देखी है, तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ यहाँ की मॉस्क में मिलेंगी। और आप जब यहाँ पर आएँ तो नमाज़ के टाइम पर आएँ ताकि जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ सकें। ये मॉस्क शारजा की सबसे बड़ी मॉस्क है और यहाँ पर एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद के अंदर का ही एरिया इतना बड़ा है कि एक साथ 5,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, और फ्रंट हॉल और साइड लॉबीज़ में 6,000 लोग, और बाहर के एरिया में 13,500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं।
और ऊपर के ये बने एरियाज़ में औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, और ये शैंडलियर बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत लगता है। और मेरे अंदाजे से ये माइक या तो सोने के हैं या फिर गोल्ड प्लेटेड हैं। व्हाट डू यू थिंक, कमेंट में बताएं। यूएई में आपको बहुत ही खूबसूरत और यूनिक आर्किटेक्चर की मॉस्क देखने को मिलेंगी, और शारजा मॉस्क उनमें से एक है। अगर आप किसी वजह से अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मॉस्क नहीं देख पा रहे हैं और आप दुबई या शारजा में हैं, तो ये शारजा की मॉस्क ज़रूर देखें। इस मॉस्क का ऑटोमन आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इस मॉस्क के अंदर आप तीन तरफ से एंटर कर सकते हैं। एक तो आपका फ्रंट एंट्रेंस हुआ, और उसके अलावा आप दो साइड से भी एंटर कर सकते हैं। शाम के टाइम मस्जिद के अंदर और बाहर बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग होती है, तो अगर आप इस मस्जिद में घूमने के लिए आ रहे हो तो आप इसी टाइम पर अपना प्लान बनाएं। यहाँ के शैंडलियर्स देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बड़े बूढ़ों के लिए 100 से ज़्यादा चेयर्स तक की व्यवस्था है, जिससे कि वो बैठकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। और गाइज, हम इवनिंग में इसलिए आए थे बिकॉज़ इसका जो नाइट लुक है वो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है, बट अनफॉर्चुनेटली वो साल में एक ही बार होता है। जब यहाँ पर ऐसे मल्टी कलर लाइटिंग होती है और ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जैसा कि हमने बहुत सारी ऑनलाइन पिक्चर्स में देखा था, और वो रमज़ान के टाइम पर होता है। सो होपफुली विल कम हियर नेक्स्ट टाइम ड्यूरिंग रमज़ान। तो गाइस, इस मस्जिद के आसपास का एरिया बहुत ही बड़ा है, और आपको यहाँ पर घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडस्केपिंग करी गई है बहुत ही खूबसूरत है, और ये सब देख के आपकी आँखों को ज़रूर सुकून पहुँचेगा। और उस दिन हमें लकीली फायरवर्क्स भी देखने को मिले। हमें नहीं पता था कि फायरवर्क्स होने वाले हैं, शायद ईद की सेलिब्रेशंस हो रही थी। ये मस्जिद के सामने वाला वाटरफॉल और फाउंटेन वाला एरिया वैसे तो खूबसूरत है ही, बट लाइटिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और ये पानी की बहने की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी। हमें बहुत मज़ा आया। आपको टाइम मिले तो कुछ देर यहाँ पर ज़रूर बैठें। और इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ निकालने के लिए ये जगह बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ से आपकी फ़ोटोज़ में वाटर फ्रंट एरिया के साथ साथ मस्जिद भी दिखेगी। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आया होगा, और आपको ये मॉस्क हमारी तरह ही बहुत ही प्यारी लगी होगी, बहुत पसंद आया होगा। यस, और अगर ये वाला वीडियो भी पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ताकि हम इसी तरह के और वीडियोस बनाते रहें। अब मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।